ठीक है। देखिए दिया हुआ है, फिर ऊपर दिए गए तीनों शब्द समूहों में सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम प्रयोग किया गया है जिससे इनका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। एक चीज ध्यान देने की बात है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगर शब्द निरर्थक हुए तो वह वाक्य नहीं बन सकता है। शब्द हमेशा सार्थक होने चाहिए, ठीक। तो सार्थक शब्द के देखिए, गरिमा विद्यालय जा रही है, गरिमा सार्थक शब्द है, विद्यालय सार्थक शब्द है, जा सार्थक शब्द है, रही सार्थक शब्द है। वाक्य क्या बन गया, गरिमा विद्यालय जा रही है, ये एक वाक्य है। समझ में आ गया। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। अब आता है वाक्य के भेद या वाक्य के अंग। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं जो भी आप समझ लीजिए। वाक्य के दो भेद होते हैं, यानी वाक्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। आइए उद्देश्य और विधेय के विषय में हम जानते हैं। उद्देश्य क्या है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है। उद्देश्य क्या होता है, जब हम वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम किसी न किसी के विषय में बात करते हैं। तो जिसके विषय में हम बात करते हैं वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे दिया हुआ है रोहन आम खाता है। यहाँ देखिए आम खाने का काम कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। कौन कर रहा है, रोहन कर रहा है। अर्थात यहाँ पर रोहन क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, उद्देश्य जो काम करता है या जिसके विषय में बात करते हैं वह उद्देश्य कहलाता है। अब क्या है विधेय, उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वह विधेय कहलाता है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है, जैसे हमने अभी बताया रोहन आम खाता है, यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है, रोहन। तो रोहन क्या हो गया, उद्देश्य। अच्छा रोहन क्या काम कर रहा है, आम खा रहा है। तो आम खाता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है, फिर से सुन लीजिए एक बार, हम बता देते हैं आपको कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ठीक। वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके विषय में बात की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के विषय में जो बातें की जाती हैं वह विधेय कहलाता है। समझ में आ गया सबको।